Hello everyone, so today we will discuss about perquisites. In our previous video we had discussed about salary. हमने income tax के बारे में discuss किया था. उसमें हमने discuss किया था कि income tax क्या होता है. जो भी एक person की total income पे tax लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, income tax. जो क्या है, progressive है nature में. यानी कि ऐसा नहीं है कि सबको similar amount of income tax देना होता है या फिर सब पे similar percentage का लगता है. वो आप इनकम पे डिपेंड करता है, कुछ एग्जेम्पशंस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टैक्स देना होगा. सो हमारे जो इनकम टैक्स में है, सबसे पहले हमें इनकम टैक्स अगर निकालना है तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इनकम को कैलकुलेट कर सकें. और इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमें ये पता होगा कि हमारी कौन सी चीज, कौन सी अर्निंग इनकम कंसिडर की जाती है, कौन सी अर्निंग इनकम कंसिडर नहीं की जाती. सो इनकम के हमारे बेसिक 5 हेड होते हैं और उसका फर्स्ट हेड हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा फर्स्ट हेड है. देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये हमारे क्या है, बाकी हेड्स हैं. सो हमारा फर्स्ट हेड क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी. सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बेसिक सैलरी के बारे में डिस्कस कर लिया कि हमारी जो इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड है उसमें सिर्फ हमारी सैलरी इंक्लूड नहीं की जाती, उसमें बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कि बेसिक सैलरी, अलाउंसेज, परक्विसाइट्स, या फिर जो आपको अलग से कमीशन या फी मिलती है, वो सारी चीजें किसके अंडर आती हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर आती हैं. सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अलाउंसेज के बारे में डिस्कस कर लिया, बेसिक सैलरी के बारे में डिस्कस कर लिया. आज हम डिस्कस करेंगे परक्विसाइट्स के बारे में, जो किसके अंदर आते हैं. हमारे परक्विसाइट्स भी किसके अंदर आते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड वाले ही होते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरी का जो हेड है उसी के अंदर इंक्लूड होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ परक्विसाइट्स, यानी कि परक्विसाइट्स का मीनिंग क्या होता है. द टर्म परक्विसाइट मींस एनी बेनिफिट अटैच्ड टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू द सैलरी और वेजेस. यानी कि सैलरी और वेजेस के एडिशन में जो भी बेनिफिट आपको दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परक्विसाइट्स बोलते हैं. जो हमारे अलावेंसेज होते हैं वो भी क्या होते हैं कि बेसिक सैलरी के अलावा जो मॉनेटरी बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो हमारे क्या होते हैं, अलावेंसेज होते हैं. अब अलावेंसेज हमने डिफरेंट टाइप के किए थे कि डियरनेस अलावेंसेज है, हिल अलावेंसेज है, डिफरेंट डिफरेंट अलावेंसेज थे. लेकिन फिर अलावेंसेज और परक्विसाइट्स में डिफरेंस क्या हुआ कि हमारे जो परक्विसाइट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि ये मॉनेटरी फॉर्म में हो, ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकते हैं, काइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं. लेकिन अगर ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म में है तो हम कैपेबल होने चाहिए ये कैलकुलेट करने के लिए कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है. परक्विसाइट्स डिनोट अ पर्सनल एडवांटेज, इट मे बी गिवन इन कैश और इन काइंड. यानी कि ये कैश में भी दिए जा सकते हैं और नॉन कैश में भी दिए जा सकते हैं, काइंड में भी दिए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कोई गिफ्ट दे रहे हो सो वो गिफ्ट भी क्या है, परक्विसाइट्स प्रोवाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी अपने जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं उन्हें कुछ ट्रैवलिंग के लिए वीजा प्रोवाइड करा रही है, कोई फॉरन टूर प्रोवाइड करा रही है. सो वो उन्हें कैश तो नहीं दे रही ना, मॉनेटरी टर्म्स नहीं दे रही, लेकिन वो उन्हें क्या कर रही है, एक फॉरन ट्रिप प्रोवाइड करा रही है. तो वो क्या है, काइंड में है. यानी कि उसको कैश में नहीं मिल रहा, उन्हें क्या है, जो टिकट्स मिल जा रही हैं उनको वहां के रहने का खर्चा उठा लेगी कंपनी. सो उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं. यानी कि टिकट का कितना खर्चा आया ये हम देख लेंगे, वह रहने का कितना खर्चा आएगा ये कैलकुलेट कर लेंगे. यानी कि अगर हम गिफ्ट के फॉर्म में, काइंड के फॉर्म में भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो परक्विसाइट्स में वही इंक्लूड होगा जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जिसकी हम मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं. परक्विसाइट्स डिनोट पर्सनल एडवांटेज, जो कैसे हो सकती है, कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, बट इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी. लेकिन जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे मनी के टर्म में, कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, टोटल परक्विसाइट्स की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, ये हम कैलकुलेट कर सकें. फॉर इनकम टैक्स पर्पज वी लिमिट द स्कोप ऑफ परक्विसाइट्स टू द बेनिफिट रिसीव्ड इन काइंड एंड विन विच आर कन्वर्टेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. यानी कि अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स में क्या है कि हमने परक्विसाइट्स की एक वैल्यू फिक्स कर दी है कि इतने ही परक्विसाइट्स आप प्रोवाइड कर सकते हो. उसमें से हमने कुछ लिमिट प्रोवाइड किया कि इतने टैक्सेबल होंगे, इतने टैक्सेबल नहीं होंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. ऐसे भी परक्विसाइट्स होते हैं जिन पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता और ऐसे भी होते हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं. सो आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा. परक्विसाइट्स क्या होते हैं, यानी कि कुछ भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है जो मॉनेटरी, यानी कि कैश के फॉर्म में भी हो सकता है और काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकें, जो बेसिक सैलरी या अलावेंसेज में इंक्लूड नहीं हुए, उनको हम क्या बोलते हैं, परक्विसाइट्स बोलते हैं. देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ परक्विसाइट्स, कि अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो 3 मेन टाइप के होते हैं. टैक्सेबल इन ऑल केसेस, टैक्सेबल इन अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली,
फुली एग्जेम्प्टेड और टैक्स फ्री, यानी कि ऐसी बेनिफिट्स जो फुली टैक्सेबल हैं, यानी कि जितने भी अमाउंट के कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है पूरे के पूरे पे टैक्स अगर लगता है यानी कि फुली टैक्सेबल हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इन ऑल केसेस। देन टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली, यानी कि कुछ एम्प्लॉयज को टैक्स देना पड़ेगा, कुछ को नहीं देना पड़ेगा। सो हमारे स्पेसिफाइड जो एम्प्लॉयज हैं वो जब होंगे तभी टैक्स होगा, अदरवाइज हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो होते हैं टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। और लास्ट जो है वो है फुली एग्जेम्प्टेड और टैक्स फ्री, यानी कि कितने भी कोई टैक्स नहीं देना है, किसी भी अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं होगा, चाहे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो या कोई और एम्प्लॉय हो, उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। देन फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टैक्सेबल इन ऑल केसेस, यानी कि हमारे ऐसे परक्विसाइट्स, ऐसे बेनिफिट जिसपे पूरे पे टैक्स देना है, उसमें हमें कोई छूट कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, कंप्लीटली वो क्या होते हैं फुली टैक्सेबल होते हैं। द फॉलोइंग आर टैक्सेबल इन ऑल केसेस, ये जो सारे हैं ये क्या है टैक्सेबल हैं। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर, यानी कि एक एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहां पे वो रेंट, उसको बिना रेंट के रहना है, रेंट फ्री यानी कि कोई रेंट नहीं देना, उस टाइम पे जब ये प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो क्या होता है हमारा टैक्सेबल होता है, यानी कि फुली टैक्सेबल होता है। देन एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन विच वुड हैव बीन पेबल बाय द एसएससी, यानी कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो एम्प्लॉयर को पे करना था, एम्प्लॉय को पे करना था और एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। एम्प्लॉयर क्या होता है, आप कंपनी को एम्प्लॉयर लगा के चलो, और एम्प्लॉयज यानी कि जो वर्कर्स उसमें काम करते हैं, यानी कि वर्कर की ऑब्लिगेशन थी, वर्कर की ड्यूटी थी उस अमाउंट को पे करने की, लेकिन पे किसने किया है, कंपनी ने पे किया है, तो वो जो अमाउंट है वो क्या होगा फुली टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ एनी लोन ड्यू ऑन हिज एम्प्लॉय, यानी कि एक वर्कर ने कुछ लोन ले रखा था लेकिन कंपनी ने एज अ बेनिफिट उसको प्रोवाइड करना था, उसके बिहाफ पे वो लोन कंपनी ने पे कर दिया, सो वो क्या होगा फुली टैक्सेबल होगा। यानी कि किसकी ऑब्लिगेशन थी, एम्प्लॉय की, उस वर्कर की ऑब्लिगेशन थी, ड्यूटी थी उस लोन को पे करने की, लेकिन पे किसने किया है, कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने, तो वो भी क्या होंगे हमारे फुली टैक्सेबल। यानी कि ऐसी जो भी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय की है लेकिन एम्प्लॉयर पे करता है, वो भी फुली टैक्सेबल होंगे। जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये जब हमारा जो ट्रेडिशनल हमारे जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग ये फुली टैक्सेबल है, लेकिन अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं, उसके बेस पे क्या है कि रेंट फ्री जो हाउस आपको मिल रहा है उसमें दो तरीके के होते हैं, कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है रेंट फ्री हाउस, तो उसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो फर्निश्ड है या नॉन फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है। फर्निश्ड का मतलब क्या है, अच्छा फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है, टेबल्स वगैरह, अगर वो फर्निश्ड है तो अलग टाइप का होता है। और नॉन फर्निश्ड यानी कि आपको हाउस तो प्रोवाइड किया गया है, रेंट फ्री है, लेकिन वो क्या है उसमें कोई फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया। सो अगर आपका हाउस फर्निश है तो उसके लिए कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा, उसके लिए अलग से लॉ बना रखे हैं, मीन्स अलग से एक प्रोविजन है जो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हाउस जो है वो फर्निश्ड है, यानी कि उसमें सही से फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड कर रखा है, तो उसमें कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ने जितना अमाउंट दिया है प्लस 10% ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर जितना आपको मिला है, यानी कि फर्निश्ड हाउस है तो इसका मतलब क्या है उसमें फर्नीचर है, तो 10% फर्नीचर का निकाल लेंगे, जितना अमाउंट टैक्सेबल है अब गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है, प्लस 10% फर्नीचर और माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर को जो अमाउंट रिकवर हो गया है। अब देखो जो भी रेंट फ्री हाउस है वो एम्प्लॉयर यानी कि एक कंपनी किसे प्रोवाइड कराती है, एम्प्लॉयज को, तो जब अगर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट ले लेती है कंपनी तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि हमने रिकवर कर लिया। सो जब हम फर्निश्ड हाउस की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, गवर्नमेंट की प्रिस्क्रिप्शन प्लस 10% ऑफ फर्नीचर और माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ऐसे ही अगर वो फर्निश्ड हाउस है, ये तो हमने देख लिया, अगर वो नॉन फर्निश्ड अनफर्निश्ड हाउस है तो उसमें क्या होगा, फर्नीचर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 10% फर्नीचर नहीं लगेगा, तो सिंपल बचा हुआ लग जाएगा कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल के अकॉर्डिंग जितना अमाउंट है माइनस अमाउंट रिकवर्ड, वो जो हमारा अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा।
सो ये कौन सा केस था, जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। लेकिन अगर हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसमें क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हम देखेंगे कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगी। अगर पॉपुलेशन हमारी 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर हमारी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी क्या होगा, हमारा टैक्सेबल होगा। सो अगर हमारा जो एम्प्लॉयर है वो ओनर है तो उसमें क्या है, हमारे 25 लाख जो हमारी मीन्स पॉपुलेशन के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी, 25 लाख से कम है यानी कि 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी, और हमारा जो 10 लाख से भी कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक केस आता है कि एम्प्लॉयर जो है वो ओनर नहीं है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। हमने गवर्नमेंट का कर लिया कि फर्निश्ड है और नॉन फर्निश्ड है। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसमें क्या, एक तो हमने कर लिया कि अगर ओनर जो है एम्प्लॉयर ही ओनर है हाउस का तो उसमें हम पॉपुलेशन के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ओनर नहीं है तो हम सिंपली 15% ऑफ सैलरी ले लेंगे, या फिर जो फेयर वैल्यू ऑफ रेंट है उसमें से जो भी कम होगा वही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज एनी सम बाय द एम्प्लॉयर अदर देन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अप्रूव्ड फंड टू इफेक्ट इन इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रोविडेंट फंड जो भी हमारा रिकॉग्नाइज्ड है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, इनको छोड़ के कोई भी फंड एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस के लिए अगर कंपनी ने प्रोवाइड किया है तो वो क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। सो हमने अभी तीन केस कर लिए। फर्स्ट इज कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस की जब हम वैल्यू देखते हैं वो हमने दो केस में किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दूसरा हमने किया कि जो किसकी ड्यूटी थी, एम्प्लॉय की ड्यूटी थी पे करने के लिए, लेकिन पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो भी वो फुली टैक्सेबल होगा। और तीसरा क्या है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस फंड हम प्रोवाइड करा रहे हैं एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड फंड है तो उसको हम क्या करेंगे, फुली टैक्सेबल रखेंगे। द वैल्यू ऑफ अदर बेनिफिट एंड अमेनिटीज में भी प्रिस्क्राइब, यानी कि कोई अदर बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी अमेनिटीज प्रोवाइड की जाती है वो क्या है, हमारी फुली टैक्सेबल होंगी। सेकेंड हमारा क्या था, टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली, यानी कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज जिनको पहले से पर्टिकुलराइज कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है कि अगर ये एम्प्लॉय होंगे तो ही टैक्स देना है, अदरवाइज आपको टैक्स नहीं देना है। तो वो हमारे तीन टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हमारे तीन तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट है ए डायरेक्टर एम्प्लॉय, डायरेक्टर एम्प्लॉय नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि डायरेक्टर एक अलग एंटिटी होती है, एम्प्लॉय एक अलग एंटिटी होती है। लेकिन एक ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी का डायरेक्टर भी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये डायरेक्टर एम्प्लॉय विच इज द एम्प्लॉय हु इज ऑलवेज अ डायरेक्टर इन द कंपनी वेदर फुल और पार्ट टाइम, कि चाहे वो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो या फुल टाइम डायरेक्टर हो, लेकिन अगर वो कंपनी का डायरेक्टर भी है और एम्प्लॉय भी है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डायरेक्टर एम्प्लॉय है वो हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते हैं। देन एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि एम्प्लॉय का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, और वो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय के पास पावर है, वोटिंग पावर है, वो अगर 20% से कम नहीं है, यानी कि या तो 20% है या अगर 20% से ज़्यादा है, तो ऐसा एम्प्लॉयज भी हमारा कौन सा एम्प्लॉय हो जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा। और वो भी क्या करेगा, उसको जो भी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे वो सब क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयर कंपनी ही इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ इक्विटी शेयर कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर विल बी टैक्सेबल, यानी कि उसकी वोटिंग पावर जब 20% से कम नहीं है या फिर 20% से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में आ गया। तो हमारे दो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हो गए, पहले डायरेक्टर एम्प्लॉय उसको टैक्स देना पड़ेगा, दूसरा जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसको टैक्स देना पड़ेगा, और तीसरा एनी अदर एम्प्लॉय हुज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी इंक्लूडिंग ऑल मॉनिटरी बेनिफिट फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर्स एक्सक्लूडिंग ऑल बेनिफिट इन काइंड इज एक्सीड 50,000, यानी कि ऐसा एम्प्लॉय जिसकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो 50,000 है, जिसमें हमने सारे परक्विसाइट्स अलावेंसेस को इंक्लूड किया है, यानी कि जो भी मॉनेटरी बेनिफिट हैं उनको इंक्लूड करने के हिसाब से उसकी जो इनकम है वो 50,000 या उससे ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब वो हमारे किस उसमें आ जाता है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में आ जाता है। जिन एम्प्लॉयज़ की 50,000 से कम रह जाती है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में नहीं आते और उन्हें टैक्स नहीं देना होता, लेकिन जिसकी 50,000 से ज़्यादा हो जाती है उनको क्या
होता है, टैक्स देना होता है। तो हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन कौन से हो गए, डायरेक्टर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और एनी अदर एम्प्लॉयज हुज इनकम इज मोर देन 50,000 इंक्लूड ऑन मॉनेटरी बेनिफिट। नाउ टैक्स फ्री परक्विसाइट्स, सबसे पहले हमने देखा था यानी कि वो कौन से थे, फुली टैक्सेबल यानी कि जिस पे सब पे टैक्स लगेगा, फिर जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को देने पड़ेंगे, और थर्ड हमारा केस क्या है, टैक्स फ्री यानी कि इस पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, किसी को भी टैक्स नहीं देना होता। इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, मेडिकल बेनिफिट यानी कि जो भी हमें मेडिकल हमारी हेल्थ केयर से रिलेटेड बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, हमारी कोई डिजीज से रिगार्डिंग प्रोवाइड किए जाते हैं तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगता। टी और स्नैक प्रोवाइडेड बाय ऑफिस यानी कि एक टी टाइम होता है, स्नैक टाइम होता है, उस टाइम पे जो आपको ये प्रोवाइड किए जाते हैं टी एंड स्नैक्स, उस पे कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता। एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन कि जब आप ऑफिस में होते हो अपना मोबाइल फोन यूज करते हो, अगर उसके लिए आपकी कंपनी आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है कि आप पर मंथ अपना रिचार्ज करा पाओ, सो उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। देन स्कॉलरशिप टू द एम्प्लॉयज और देयर चिल्ड्रन पेड बाय एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन को क्या करती है, कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है या फिर एम्प्लॉयज को ही कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है तो उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है, वो भी फुली क्या है, टैक्स फ्री है। देन रेंट फ्री हाउस एंड कन्वेयंस फैसिलिटी टू द हाई कोर्ट जजेस यानी कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको जो भी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो रेंट फ्री हाउस हो, जो हमने देखो हमने फुली टैक्सेबल में किया था, रेंट फ्री हाउस आ जाता है जिसकी हमने कंडीशन भी की, लेकिन अगर वो हाई कोर्ट के जज को प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो क्या होगा, फुली टैक्स फ्री हो जाएगा। रेंट फ्री हाउस एंड कन्वेयंस फैसिलिटी टू सुप्रीम कोर्ट जज, ऐसे ही अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रोवाइड किया जा रहा है तो भी वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश टू रेजिडेंस प्रोवाइड टू द मिनिस्टर, किसी भी पॉलिटिकल मिनिस्टर को अगर हम रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं या अदर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा फुली एग्जेम्प्टेड होगा। लैपटॉप एंड कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉयज और एनी मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड यानी कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को या फिर उनके किसी हाउस होल्ड के पर्सन को, उनकी फैमिली को लैपटॉप या कंप्यूटर प्रोवाइड करती है तो वो भी क्या होगा, फुली एग्जेम्प्टेड होगा, टैक्स फ्री होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन अमाउंट डू नॉट एक्सीड 20,000 यानी कि 20,000 तक का अगर आप लोन लेते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उसके बाद उस पर क्या है, टैक्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 20,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 20,000 के बाद जो अमाउंट होता है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, लेकिन अगर 20,000 तक का आप लोन ले रहे हो तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सो ये हमारे क्या हो गए, टैक्स फ्री परक्विसाइट्स यानी कि जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता। हमने टैक्स फ्री में डिस्कस किया था, हमारा फर्स्ट पॉइंट था मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट यानी कि आप अपने इलाज वगैरह के लिए क्या कर रहे हो, उसके लिए जो भी आपको मिलता है, आपको कोई डिजीज है तो कंपनी आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। सो वो दो तरीके की हो सकते हैं, फॉर ट्रीटमेंट विद इन इंडिया और फॉर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर आप विद इन इंडिया यानी कि इंडिया के ही किसी हॉस्पिटल में अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो उसके लिए क्या है, द वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड फ्री टू एन एम्प्लॉय फिर फैमिली यानी कि एक एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली में किसी को कोई बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट क्या इंडिया के ही हॉस्पिटल में चल रहा है तो वो फुली एग्जेम्प्टेड होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो कौन है, एम्प्लॉयर जो है, कंपनी जो है उसकी ओनर है उस हॉस्पिटल की या फिर उससे सिचुएट करती है, एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय लोकल अथॉरिटी कि अगर हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल है और उसमें हमारा एम्प्लॉय है या उसकी फैमिली का कोई पर्सन है जिसका पे कौन कर रहा है, कंपनी पे कर रही है, तो भी वो फुली एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन अगर हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो और कंपनी उसके लिए पे कर रही है तो उसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होता, वो फुली टैक्सेबल होता है, उस पूरे पे आपको क्या करना होता है, टैक्स देना होता है। तो ये तो बात हुई मेडिकल ट्रीटमेंट हम कहाँ करा रहे हैं, विद इन इंडिया। लेकिन अगर हम आउटसाइड इंडिया कराएंगे तो उसके लिए क्या है, अगर एम्प्लॉयर इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया ऑन देयर एम्प्लॉयज और उसकी फैमिली यानी कि कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय के लिए या उसकी फैमिली के लिए जो अपना इलाज कहाँ करा रहे हैं, इंडिया के बाहर करा रहे हैं, एब्रोड में करा रही है, कोई भी एक्सपेंडिचर करती है, पैसा लगाती है, तो वो एग्जेम्प्टेड होगा यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जिसकी लिमिट किसने फिक्स कर रखी है, आरबीआई ने फिक्स कर रखी है कि इस लिमिट तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर वो उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो उसके बाद टैक्स लगेगा। Expenses incurred on travel of patient and other one attendant is fully exempted if gross salary provided to the employees does not exceed 2 lakh यानी कि अगर हमारे जो employee की salary 2 lakh से कम है, ज़्यादा नहीं है, तो जो भी आपको वहाँ पे रहने का खर्चा है, ट्रैवलिंग का कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसके इलाज के लिए, तो वो क्या होगा, फुली एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन अगर 2 lakh से ज़्यादा है तो उस पे पूरे पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा।
सो आज हमने क्या डिस्कस किया कि परक्विसाइट्स का मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स में हमने किया टैक्सेबल इन ऑल केसेस, देन टैक्सेबल केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। आज हमने ये डिस्कस कर लिया है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन कौन से होते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जाम्पल और इसके कुछ टर्म्स भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे वो कितना उन पे टैक्स लगता है, कितना उन पे नहीं लगता, जो परक्विसाइट्स की ही होगी नेक्स्ट वीडियो भी। और टैक्स फ्री परक्विसाइट्स कौन से होते हैं, यानी कि जिस पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगता। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन।